मध्य प्रदेश की जनता के साथ सस्ते बिजली बिलों का वादा कर मनमाने बिजली बिल थमाने को लेकर आज जबलपुर में भाजपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा विधायक अशोक रोहणी के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने बिजली विभाग के सिटी कार्यालय को घेरा और कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर द्वारा जीएस ठाकुर जी के नेतृत्व में बिजली दफ्तर का घेराव किया गया। इसका मेन उद्देश्य विरोध ये था कि 2018 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो संबल योजना के माध्यम से लोगों के बिजली बिल माफ़ किए थे, उनको पुनः बिजली बिल में जोड़कर लोगों को त्रस्त किया जा रहा, पीड़ा प्रदान की जा रही है और 100 रुपये यूनिट के नाम से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि पहले पिछला बिल जमा करिए, उसके बाद आपको 100 रुपये यूनिट का बिजली बिल मिलेगा। यह पीड़ा और दर्द आज हम सड़क पर जनता के साथ लेकर आए हैं। यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक संबल कार्ड योजना को पुनः चालू नहीं किया जाएगा और बिजली कटौती जो है वो बंद नहीं की जाएगी।